हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। सो गाइस, आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने रेशो को समझा था कि रेशो होती क्या है। आज का जो लेक्चर होगा वो प्रोपोर्शन के ऊपर होगा और प्रोपोर्शन की टाइप्स के ऊपर होगा। तो आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। सो गाइस, चलो चलिए करते हैं। देखिए, प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशोस, यानी कि दो रेशोस आपको दी गई होंगी और उनके बीच में इक्वालिटी हो, तो जो एक्सप्रेशन आपके सामने बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे कि अगर आप इसको देखोगे, मान लीजिए मेरे पास ए इज टू बी एक रेशो है और एक रेशो मेरे पास सी इज टू डी है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ये बोलता है कि ये दो जो रेशोज हैं इनके बीच में अगर इक्वालिटी हो, यानी कि इक्वल्स टू का साइन हो, तो जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? प्रोपोर्शन। अब देखिए, इस प्रोपोर्शन में अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रोपोर्शन है इसमें चार टर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? एक ये फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, अब ये सेकंड वाली इसको सेकंड प्रोपोर्शन, और ये थर्ड वाली इसको थर्ड प्रोपोर्शन, और जो लास्ट वाली टर्म है इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो और साथ में ये जो इक्वल्स टू का साइन है इसको डिनोट करते हैं डबल कॉलन के साथ भी। ये जो सिंबल है जिसमें दो बार कॉलन का साइन यूज हुआ है, ये जो सिंबल बनता है ये किसके बराबर होता है? इक्वल्स टू के। तो कभी कभी इसका भी यूज किया हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन में, और कभी कभी डायरेक्टली इक्वल्स टू साइन का भी यूज मिलेगा आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मतलब दोनों का सेम है, चाहे डबल कॉलन हो या इक्वल्स टू हो, मतलब सेम है। ठीक है, यानी कि जहां पे भी डबल कॉलन होगा तो वहां पे आपने मान लेना है कि वहां पे क्या है? इक्वल्स टू है। ठीक है, तो इसलिए मैंने, देखिए, ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी जो है ये किसके बराबर लिखा मैंने नेक्स्ट लाइन में? इक्वल्स टू का साइन मैंने दो बार कॉलन के साइन जो है वो डाले हैं, यानी कि डबल कॉलन साइन को हम बोलते हैं इक्वल्स टू। और ये जो टर्म्स हैं इसमें यूज हुई प्रोपोर्शन में कौन कौन सी? ये फर्स्ट क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकेंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यानी कि इतना तो आपको पता चल गया होगा कि एक प्रोपोर्शन के अंदर, क्योंकि आप दो रेशोज को इक्वल कर रहे हो, तो डैट मीन्स दो टर्म्स जो होंगी वो पहली रेशोज से आएंगी और दो जो नेक्स्ट दो टर्म्स होंगी वो दूसरी रेशोज से आएंगी, यानी कि चार क्वांटिटीज यानी कि चार टर्म्स तो प्रोपोर्शन में होनी ही होनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी ये जो आपकी जो बीच वाली जो टर्म्स हैं इसमें, ये देखिए बी और सी, ये बीच वाली जो टर्म्स हैं इसको बोलते हैं मीन टर्म्स। ठीक है, बीच वाली टर्म्स को बोलते हैं मीन टर्म्स, और ये जो बाहर वाली जो टर्म्स हैं, एक फर्स्ट प्रोपोर्शन और ये जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, बीच वाली जो टर्म्स हैं बी और सी यानी कि सेकेंड और थर्ड प्रोपोर्शन को बोलते हैं मीन टर्म्स, और जो बाहर वाली जो आपकी टर्म्स हैं, बाहर वाले जो प्रोपोर्शन हैं यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, और अब देखिए ए इज टू बी, अभी आपको कल रेशो में मैंने समझाया था कि ए इज टू बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाली टर्म को हम ए इज टू बी का मतलब होता है ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, आगे ये जो डबल कॉलन का जो सिंबल है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इक्वल्स टू। ठीक है, और फिर सी इज टू डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी अपॉन डी। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये जो डी है ये चला जाएगा ए के साथ मल्टीप्लाई होने, और ये जो बी है ये चला जाएगा सी के पास मल्टीप्लाई होने। तो क्या बन जाएगा आपके पास? ए इंटू डी इक्वल्स टू अपनी जगह पे, फिर ये बी उधर चला गया सी के पास, तो बी इंटू सी। और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा है? ए इंटू डी। अब ए क्या है आपका? ए और डी क्या है? ये सारे के सारे एक्सट्रीम टर्म्स हैं। ठीक है, और ये जो आपका बी और सी, ये आपको क्या दिख रहा है? मीन टर्म्स हैं ये आपकी, यानी कि मिडल टर्म्स हैं आपकी।
तो इधर से क्या दिख रहा है कि a इंटू डी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स आगे क्या है इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू b इंटू सी, b और c कौन सी टर्म्स थी आपकी मीन टर्म, तो इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। तो यानी कि इधर से क्लियर हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई करोगे अगर आप मीन टर्म्स को तो वो बराबर होती है किसके प्रोडक्ट के, यानी कि किसके मल्टीप्लाई के, एक्सट्रीम टर्म्स के, ठीक है। यानी कि बी और सी ये आपकी आ गई मीन टर्म्स और ये आपकी आ गई एक्सट्रीम टर्म, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में कि प्रोपोर्शन की कौन कौन सी टाइप्स होती है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक हो गया आपका प्रोपोर्शन फाइंड करने के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है आपने क्वेश्चन में, तो आपको बोला गया होगा कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए ए एंड बी का। यानी कि आपको तो पता है कि प्रोपोर्शंस जितने भी होते हैं उनमें तो चार क्वांटिटीज यानी कि चार टर्म्स होती हैं, यानी कि चार प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए ए और बी का, यानी कि आपको सिर्फ दो ही प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, तो आपको तीसरा यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो यानी कि इसमें ज़रूर जो एक वैल्यू जो होगी खास तौर पे जो मीन टर्म जो होगी वो रिपीट हुई होगी, तभी तो तीन प्रोपोर्शन बनेंगे, क्योंकि ऐसे तो चार बनाने हैं हमने, हमें तो बोला कि एक ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन, तो मैं मान लेता हूँ कि थर्ड प्रोपोर्शन आपका सी है। तो यानी कि इन तीनों प्रोपोर्शन को हमने चार बनाने हैं, तो यानी कि ये जो बीच वाला जो मीन प्रोपोर्शन है ये क्या हुआ होगा, रिपीट हुआ होगा। तो यानी कि जब भी थर्ड प्रोपोर्शन आएगा तो आपने थर्ड प्रोपोर्शन को मान लिया कि ए बी और ये सी, ये थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि तीन टर्म से आपका जो प्रोपोर्शन बनेगा वो इस तरीके से ही बनेगा, क्योंकि आपको जो एक वैल्यू जो है आपकी मीन वाली यानी कि सेकेंड प्रोपोर्शन उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा फिर से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीट किया। अब आपने फार्मूला आपने लर्न किया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, यानी कि एक्सट्रीम टर्म कौन सी है यहाँ पे ए और सी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म के। तो मीन टर्म कौन सी है, बी और बी, दो बार बी है तो बी इंटू बी। तो इससे क्लियर हो गया कि बी स्क्वेयर, बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए इंटू सी। बट आपको क्या फाइंड करना है, आपको तो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन को क्या माना मैंने, सी। तो यानी कि सी जो है अपनी जगह पे रहा और बी स्क्वायर के नीचे क्या आ गया, ए। तो यानी कि जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है तब आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, वो ये आएगा कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 36 एंड 48। अब देखिए ये क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और सी आपने फाइंड करना है। सी क्या था आपका, थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि सी आपने फाइंड करना है। तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि सी किसके बराबर होता है, बी स्क्वेयर अपॉन ए। अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया इसका फार्मूला, अब क्या है बी स्क्वेयर, b की जगह पे क्या है 48, तो 48 का स्क्वायर अपॉन a, a की जगह पे क्या है 36, ठीक है। 48 का स्क्वायर यानी कि 48 इंटू 48 अपॉन 36, अब इसको काटोगे 6 6 36, 6 8 48, फिर से 6 और 8 48, 8 इंटू 8 आ गया आपका 64। तो 64 जो है ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला जो है वो आपने ये लर्न कर लेना है और इस फार्मूले में ही आपको क्वेश्चन में आपको जो दो प्रोपोर्शन दिए होंगे एक को ए रख लेना है दूसरे को बी रख लेना है
और वैल्यू पुट करके आपने सी यानी कि थर्ड प्रपोर्शन फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब सेकंड जो टाइप आती है इसकी, वो आती है फोर्थ प्रपोर्शनल फाइंड करना। आपने, आपके पास तीन प्रपोर्शंस ऑलरेडी दिए गए होंगे। पहले वाले में आपको सिर्फ ए और बी यानी कि दो प्रपोर्शन दिए गए थे और आपको तीसरा फाइंड करना है, लेकिन हमने क्या किया, इन तीन वैल्यूज को चार में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहां पे ऑलरेडी हमें तीन दी हुई है और चौथी हमने फाइंड करनी है, तो इस क्वेश्चन को लेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम फोर्थ प्रपोर्शन को लेट करते हैं डी। हम मानते हैं कि जो फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करना है वो क्या है, आपका डी, और तीन आपको ऑलरेडी गिवन है। तो क्या बनेगा, ए इज टू बी, इन चारों को ऐसे अरेंज कर दीजिए और ये जो डी जो आपने फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपने ये वाला फार्मूला आपको समझाया मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म के। तो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू डी इक्वल्स टू सी बी इंटू सी, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, डी, इसलिए डी को अपनी जगह पे रखा हमने और ये जो ए है ये दूसरी जगह पे जाके डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि बी इंटू सी अपॉन ए। तो ये जो फार्मूला बना आपका बी इंटू सी डिवाइडेड बाय ए, ये आपका फोर्थ प्रपोर्शन का फार्मूला बन गया। तो आपको जब भी फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है तो आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है देखते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल देखिए, आपको पूछा कि फोर्थ प्रपोर्शन निकालिए किस किस का, 3, 6 और 12 का। तब सिंपल सा आपने क्या करना है, फोर्थ प्रपोर्शन वाला फार्मूला यानी कि ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, बी इंटू सी अपॉन ए। तो 3 जो है वो आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है और डी आपने फाइंड करना है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में ए है तो ए की जगह पे क्या है यहाँ पे 3, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 3 लिखा, और बी की जगह पे क्या है 6, इसलिए बी की जगह पे 6, आगे मल्टीप्लाई, फिर सी की जगह पे आपका क्या है 12, तो मैं यहाँ पे 12 लिखा, 3 1 3, 3 2 12, 3 2 6, 12 2 24, तो ये आपका 24 आंसर आ गया। तो यानी कि आपका फोर्थ प्रपोर्शन निकला इसका 24। अब आपको क्वेश्चन जो नेक्स्ट आ सकता है वो मीन प्रपोर्शन निकालना आ सकता है, और कभी कभी मीन प्रपोर्शन की जगह पे आपको सेकंड प्रपोर्शन पूछा हुआ होता है। तो यानी कि मीन प्रपोर्शन हो या आपका सेकंड प्रपोर्शन पूछा गया हो, मतलब उसका सेम ही है। यानी कि मीन प्रपोर्शन फाइंड कीजिए या सेकंड प्रपोर्शन फाइंड कीजिए, मतलब एक ही है। मीन प्रपोर्शन को ही सेकंड प्रपोर्शन बोलते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, बोला कि मीन प्रपोर्शन निकालिए किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में मीन प्रपोर्शन निकालिए। तो यानी कि आपको एक ए भी दिया हुआ है और एक बी भी दिया हुआ है और इसके बीच में मीन प्रपोर्शन है, ठीक है। यानी कि ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है और इनके बीच में क्या है, मीन प्रपोर्शन। तो यहाँ पे तो सिर्फ दो वैल्यू है और तीसरी वाली वैल्यू मीन वैल्यू जिसको आपने फाइंड करना है। तो यानी कि जो जिसको आपने फाइंड करना है, तो मैंने बोला कि जब भी रिपीट होती है तो वो कौन सी रिपीट होती है, वो आपकी मीन वाली वैल्यू सेकंड प्रपोर्शन ही रिपीट होगा। तो यानी कि यहाँ पे जिसको आपने फाइंड करना है, मैं मान लेता हूँ कि मीन प्रपोर्शन को आपने एक्स लिखा, या बी भी यानी कि सी भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, मैंने ले लिया एक्स, ठीक है। और इसके बीच में फिर से एक्स क्या हुआ होगा, रिपीट हुआ होगा। तो अब हो गए इसके चार टर्म्स, बन गया ये एक्यूरेट आपका प्रपोर्शन। देखिए 1, 2, 3 और ये चार टर्म हो गए। लेकिन निकालना क्या आपको, एक्स निकालना है, मीन प्रपोर्शन निकालना है। अब आपको फार्मूला पता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इज इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म यानी कि एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म एक्सट्रीम टर्म। अब क्या आ गया, एक्सट्रीम टर्म कौन सी है, ए और बी, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या कर दूंगा, ए इंटू बी कर दूंगा, ठीक है। और इस रूट को अगर मैं, इस स्क्वायर को जब मैं हटाऊंगा तो दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो दूसरी साइड क्या बन जाता है, स्क्वायर क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट बन जाता है। तो आपने क्या करना है, एक्स को यहां पे रखना है और रूट दूसरी जगह पे, जहां से स्क्वायर हटा तो दूसरी जगह पे वो क्या बन गया आपका, स्क्वायर रूट बन गया।
तो क्या आ गया x की वैल्यू, यानी कि आपका मीन प्रोपोर्शन किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ए बी। क्लियर हो गया। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि मीन प्रोपोर्शन निकालिए 9 और 16 का। 9 आपका ए है और 16 आपका बी है, और अभी आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने का फार्मूला क्या था, अंडर रूट ए इंटू बी। तो यानी कि अंडर रूट ए की जगह पे क्या है 9 इंटू बी, बी की जगह पे क्या है 16, ठीक है। और 9 का रूट किसके बराबर होता है आपका 3 के, और आपका जो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर होता है 4 के, तो 4 3 जा 12, तो ये 12 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ टाइप होती है वो होती है आपकी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें मीन टर्म रिपीट हुई हो, यानी कि ये जो हमने लिखा ये किस वे में लिखा, कॉन्टिन्यूड में, क्योंकि यहाँ पे देखो मीन टर्म्स जो है वो क्या हुई, रिपीट हुई है। यानी कि जहाँ पे एक रेशो खत्म होती है वहाँ से दूसरी रेशो स्टार्ट होती है, यानी कि कंटिन्यू होती है। तो डैट्स वाई इसका नाम डाला हुआ है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। यानी कि ये देखिए यहाँ पे ए इज टू एक्स है ना, ये एक्स पे खत्म हुई रेशो, और आगे प्रोपोर्शन कहाँ से शुरू हुआ, एक्स इज टू बी, यानी कि एक्स से ही शुरू हुआ। तो इसलिए ये कौन से वे में है, कॉन्टिन्यूड वे में है, डैट्स वाई इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, ठीक है। ये भी एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। उसके बाद अगर आप देखोगे इसको, ये वाली थर्ड प्रोपोर्शन को, तो इसमें भी देखो मीन टर्म रिपीट हुई है, यहाँ पे बी है और नेक्स्ट जो रेशो है वो भी कहाँ से शुरू हुई है, बी से। तो यानी कि ये एक प्रोपोर्शन में जब इसको लिखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूड वे में दिखेंगी, ए इज टू बी फिर बी इज टू सी, ठीक है। तो इसमें रिपीट हुई है, डैट्स वाई ये भी किस वे में है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो इसलिए जिसमें मीन टर्म रिपीट हुई होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। सो गाइज, आज हमने सीखा कि प्रोपोर्शन क्या होता है, उसकी टाइप सीखी, और उसके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आपके मेन प्रोपोर्शन निकालना हो, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो, और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, खास तौर पे ये थर्ड फोर्थ और मेन प्रोपोर्शन को निकालने वाले जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।